अच्छी है। डेली ही रहती है मेरी मॉर्निंग अच्छी, एंड पीहू चली गई हैं, मेरा नहाना पूजा सब कुछ हो चुका है रोज़ की तरह। एंड नवीन ऊपर से आके फिर नीचे सो गया, अब मैं उनको चाय बनाऊंगी। फिर जगे हैं बट ऐसे आलस की वजह से लेटे हुए हैं, और मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के फिर उनको दिखती हूँ। प्रॉब्लम हो गया था, और आज मैंने बनाई है आलू और बैंगन की भुजिया एंड पराठे एंड बूंदी के रायता। बूंदी के रायता घर में सभी को पसंद है, मेरे सभी बूंदी रायता बहुत पसंद करते हैं। और मैं अपने लिए क्या क्यों सोयाबीन क्यों, तो जब मुझे खाना होगा तब मैं सोयाबीन थोड़ा सा सॉल्ट करूँगी, आपको दिखाऊंगी। और मूंग भी करा है बट अंकुरित नहीं हुआ है, तो उसको मैं अभी अभी जाके कपड़े में बांध के रखती हूँ, बिकॉज कल तक हो जाएगा वो। आज मैं सोयाबीन लूँगी प्रोटीन में, कल मैं मूंग लूँगी। ये मेरी चाय बन के रेडी हो गया, चाय छान लेती हूँ। तो चाय, नवीन चाय रेडी है, उठो उठो, सोफा तोड़ देते हो सो सो के। जल्दी से उठ जाओ, 6:30 हो गए। तो मैं आपको मिलती हूँ चाय पीने के बाद। कमिंग एंड काम सारा हो गया, क्लासेस हो गए, और मैं पीयू का बस वेट कर रही हूँ। पीयू आ जाए फिर उसको मैं खाना खिलाऊँ, फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँ, बिकॉज बस से बिल्कुल भी बेड पे मैं नहीं गई, थोड़ा बैठी भी नहीं। अभी जस्ट उठ के आई, मैंने बोला थोड़ा सा सूट करती हूँ, फिर पीयू आएगी, फिर उसमें बिजी हो जाऊँगी, उसको खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना। आप लोग बोलोगे बड़ी हो गई, बड़ी नहीं है, छोटी है वो, अभी बहुत ही छोटी है, सो सब करना पड़ता है उसके लिए। सो एंड आप लोग कैसे हो, और आजकल क्या चल रहा है? मेरे वीडियो में कल मैंने बहुत कुछ बोला, बिकॉज़ मेरे घर में ऐसे होते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ा, तो अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती, और ना ही मैं किसी को बोलती हूँ। मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोलती, चुप रहती हूँ, लेकिन जब लिमिट क्रॉस होता है इंसान तो बोलता ही है। सो इसलिए मैंने बोल दिया कल की वीडियो में, और कुछ नहीं। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं यार, जबकि मैं मामा अर्थ यूज कर रही हूँ, फिर भी मेरे बाल बहुत ही निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही निकल रहे हैं मेरे बाल, ज़्यादा बाल निकल रहा है मेरा। एंड नसी का क्लाइमेट ऐसा है कि आप कहीं बाहर घूम सकते हो, बट मैं इतनी थक जाती हूँ कि कहीं भी जाने को दिल नहीं करता है। और काम करते करते पीयू आएगी, अभी तो घर का काम बाकी है, पीयू आएगी उसको खिला पिलाऊंगी, फिर उसके कपड़े धोऊंगी, फिर टाइम हो जाता है, 5 बज जाते हैं, फिर कहीं जाने का दिल भी नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं भी जाने का, ऐसा लगता है चुपचाप सोए रहो अकेले। ये मेरी फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैंने सोचा था 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, बट शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मेकअप तो ज़रूरी होता है, बट मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बाल तो इतने झड़ रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ यार। आज मेरे को किसी ने बताया फेस पे अपने बेसन और हल्दी लगाने को, सो मैं आज मैंने लगाई थी, और कंटिन्यू 10 डेज लगाना है, तो मैं कल आपको, आज टाइम नहीं मिला कि मैं आपको दिखाऊँ कैसे लगाते हैं, क्या डाल के लगाते हैं, तो मैं कल अगर फ्री रही तो कल मैं आपको लगाऊंगी, दिखाऊंगी कैसे कैसे लगाते हैं। मैंने बीच में एक वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो एक वीडियो में मैंने लगा के रखा है, तो कल मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा बोल रहा, 10 डेज लगाओ तो ठीक हो जाएगा, सो आई विल ट्राई। मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो सोच रही हूँ नवीन के कपड़े आयरन करके रख दूँ, बिकॉज थोड़ा भी मैं फ्री रहना पसंद नहीं करती, नीचे लाइट बंद है, सो
अंधेरा आ रहा है, मैं ऊपर गई हुई थी, अभी मैं नीचे आ गई। तो सोच रही हूँ पीहू नवीन के कपड़े ऑफिस के, तो मैं आयरन कर दूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 10-15 मिनट है मेरे पास, फिर 3 बजे से मैं बैठूँगी क्लास के लिए। तो सोच रही हूँ पीहू आज फिर करूँ, क्योंकि वो उसको मैं जब बिल्कुल सही कर देती हूँ ना, एक जगह कर देती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो अब मैं काम सो जाती है, तो मुझे लगता है मेरा काम होगा, तो वही करने जा रही हूँ। मैं सो गई थी, ज़्यादा नहीं 10 मिनट ही लेट गई थी, आँख लग गई थी, और पीहू अभी भी सो रही है। मैंने क्लास लिया, उसके बाद सो गई। देखा पीहू सो गई तो उसके ब्लैंकेट में आके मैं भी सो गई। उनको ना से भी ठंड रहती है, इसलिए सब ब्लैंकेट डाल के सोए हुए हैं, मैं भी सो गई, थोड़ा सा रिलैक्स मिला। सोच रही हूँ शाम को इवनिंग स्नैक्स में क्या बनाऊँ, और नाइट में मेरा नहीं रहता है, इसकी वजह से सोच रही हूँ। आज सोच रही चूड़ा भून के खाने को, एक्चुअली नवीन खाते नहीं है ज़्यादा, चूड़ा खाते ही नहीं है, फिर भी मैं आज चूड़ा ही भूनूँगी, मूँगफली और चूड़ा भूनूंगी, उस पर मिक्सचर डालूंगी, चाय के साथ खाऊंगी। देखो कहाँ चढ़ा रहे कीड़े को, देखो एक ये हमारा जिमनास्ट है और एक ये मोती, दिन भर पड़ी रहती है। अरे मुझे एक गिरा मत, देख रहे उसको लगेगी, कितना भी बोलो ये लड़का सुनेगा नहीं, मतलब फिर कूदेगा, उसको लग चुकी है। चुप, लगी उसको है, तू क्यों रो रहा है, फिर कूदेगा ये किसी दिन। तो ये लोग खाना खाने बैठ गए और मैंने सिर्फ दूध पिया और 2 काजू कतली खा ली मैंने। ये लोग दूध रोटी आज खा रहे हैं, उन्होंने बोला आज मुझे दूध रोटी खाना है, और दोनों को दूध रोटी बहुत पसंद है, तो दोनों दूध रोटी खा रहे हैं। नवीन को भी दूध रोटी ही पसंद है, नवीन को जितने छोटे बच्चे वालों को खाना पसंद है ना उनको पसंद है। और मैं अपने फेस पे एलोवेरा लगाया है, रोज नाइट में लगाती हूँ मैं एलोवेरा, कुछ नहीं खास, आज कुछ खास वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज आज वही पर डे का वर्किंग रहता है, तो वीडियो में कब मिलेगा, जब मैं दिल्ली जाने वाली रहूँगी, जब आपको वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें मिलेंगी। सोचती हूँ रोज़ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बना नहीं पा रही हूँ, मिल ही नहीं पाता, थक भी जाती हूँ, घर का भी काम रहता है, ऑफिस का भी रहता है, क्लासेस भी रहते हैं, तो मैं बहुत थक जाती हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कि मैं थोड़ी रेडी हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, बट देखते हैं बनाऊंगी कभी, इसी सिंपल लुक में ही रहती हूँ, वो भी रहते हैं। और सॉरी कल का वीडियो जो भी था जो मैंने अपलोड किया है उसके लिए सॉरी तो नहीं बोलूँगी, बट हर घर में है सो वही चीज़ है। एंड आज हम बाहर गए थे, बाहर का शूट नहीं कर सकती थी बिकॉज नवीन ने मना किया, तो बाहर का शूट करना हम चाहेंगे, तो मतलब नवीन थोड़ा आप समझ सकते हो ऐसे बोलते ठीक है थोड़ा बहुत डालो, लेकिन ऐसा हम क्या कर रहे हैं सब मत करो, ठीक है जो भी। और सोच लो गुड नाइट बोलूँ, छोटा सा वीडियो है, सो गाइस गुड नाइट, टेक केयर।